यहाँ अपने इस एरिया में सबसे ज़्यादा कैंसर मुंह के कैंसर हैं मर्दों में, जो मुंह का, गले का, दांत का, गाल का या जीभ का कैंसर होता है। इसकी मात्रा कम से कम 40% कैंसर को के क्वांटिटी को मैनेज करती है यहाँ पर। रिमेनिंग अगर आप फीमेल्स में देखें तो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर हमारे यहाँ पर बच्चेदानी का, सर्विक्स का और ब्रेस्ट का है अपने इस जोन में। और अगर आप ओवरऑल ऐसे देखें जो मेल और फीमेल दोनों में मिलता है, उसमें थर्ड नंबर पे आता है गॉल ब्लैडर का कैंसर। अब रही बात, हमें पता चल गया कि 4 से 5 तरह के कैंसर अपने यहाँ मोस्ट कॉमन है, मुंह का, बच्चेदानी का, स्तन का, गॉल ब्लैडर का और एक पेट का। इन 5 में सबसे ज़्यादा तो कॉमन है मुंह का कैंसर, वो मोस्ट कॉमन कॉज उसका तंबाकू का सेवन है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी कैंसर को ऑपरेट करा है, हमें हार्डली 10% मरीज मिले होंगे जिनका तंबाकू के अलावा कोई और कारण से कैंसर मुंह का हुआ हो। 90% लोगों की हिस्ट्री में हमें तंबाकू का सेवन मिला। बच्चेदानी का कैंसर का बहुत बड़ा कारण यहाँ पर पुअर वुमेन हाइजीन है, जिसमें औरतें अगर अपना मासिक या अपने अंदरूनी जगहों को अगर क्लीन हाइजीनिक नहीं रखती हैं, या मेल काउंटर पार्ट जो उनके पति होते हैं या जिनसे उनका संबंध होता है, उनका अगर किसी भी वजह से ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें उनको कई लोगों से अपना संबंध रखना पड़ता है, तो इसमें HPV से इतना कॉमन कैंसर होता है कि सर्वाइकल कैंसर औरतों में बहुत मिलता है। दूसरा, तीसरा चीज़, आजकल के समाज में जो अर्ली मीनार्की हो जा रही है और बच्चियों को जो जल्दी महीना आ जाता है या लेट तक महीना चलता है या महीना डिस्टर्ब्ड होता है, इसका मुख्य कारण होता है अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्टिविटी। इसका मतलब कोई भी महिला, अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन होते हैं, अगर ईस्ट्रोजन उसका अनअपोज्ड चलता रहेगा तो उसके बॉडी में ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो उसकी बॉडी ससेप्टेबल हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर को और यूट्रस कैंसर को। अब ये हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जितनी महिलाएं लेट से प्रेगनेंसी करेंगी उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, जितना महिलाएं जल्दी मासिक चालू होगा कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जितना महिला लेट महीना बंद होगा उसका, उसके कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, जितने कम बच्चे होंगे उनके कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, जितना वो अपने बच्चों को कम दूध पिलाएंगी उनके कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सारे मैं आपको स्तन कैंसर की बातें बता रहा हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि स्तन कैंसर 50% हमारा लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई है, क्योंकि आजकल लेडीज़ लोग जो भी डिपेंडेंट हो रही हैं वो लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, टेंशन वाली लाइफ होती है तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्टर होता है, और उसको मैनेज करने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कोई भी अगर OCPs खाने पड़ते हैं जिसमें ईस्ट्रोजन की मात्रा होती है, तो उससे अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्टिविटी आ जाती है। और जहाँ लेडी दूध पिलाती है या प्रेग्नेंट होती है तो प्रोजेस्टेरोन बॉडी में हावी हो जाता है ईस्ट्रोजन पे, जिससे कैंसर की संभावना और कम हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ब्रेस्ट कैंसर का। चौथा, जो गॉल ब्लैडर का कैंसर और पेट का, पांचवा जो पेट का कैंसर हमारे जोन में बहुत कॉमन है, उसका बहुत बड़ा रीज़न प्रदूषण है, क्योंकि जो हमारा यहाँ का गंगा जी का जो पानी आता है, जो हमारे पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन में आ रहा है, आप इसको सिर्फ यूपी मत समझिए, आप इसको लीजिए बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और थोड़ा बहुत आप दिल्ली ले लीजिए, क्योंकि यमुना वहीं से आती है। इस जोन में हमारा वाटर लेवल इतना ज़्यादा गंदा है, आप इसको प्रदूषण भी कह सकते हैं, या हम लोग साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, हम गंदगी फैलाते हैं हमारे, उससे ले लीजिए। कुछ बैक्टीरियाज, एच पायलोराई, EBV वायरस, HPV वायरस, ये इतना ज़्यादा कॉमन है, इतना ज़्यादा कॉमन है कि हमारे यहाँ एक डिक्टम है कि कोई भी फीमेल, जैसे एक किताबों में कहा जाता है फीमेल फैट फर्टाइल 40, कोई भी लेडी अगर 38 से 40 की एज की है या बेसी की है उससे, और थोड़ी सी भी मोटी है और व्रत रखती है, तो उसको बहुत यूजुअल गॉल स्टोन्स हो जाते हैं, जिसको कहते हैं गॉल बैटर की पथरी, और वो पथरी आगे चल के अगर परमानेंट पड़ी रहे इरिटेट करती रहे तो वो कैंसर का रूप लेती है। हम लोगों ने अब तक जितने भी गॉल ब्लैडर के कैंसर देखे हैं, उसमें से 95% लोगों को गॉल ब्लैडर में पथरी थी, उस पथरी के ऊपर उनको कैंसर हुआ है।
दूसरा जो एच पायलोरी बैक्टीरिया है वो इतना कॉमन है कि आज तक हम लोगों ने जिसकी भी एंडोस्कोपी करी है और एच पायलोरी का टेस्ट किया है, या C14 टेस्ट होता है जिसे फूक करके एच पायलोरी का टेस्ट पता करते हैं, उसमें सब में एच पायलोरी पॉजिटिव आया है। इट इज़ लाइक ऐसा लगता है कि जैसे अपने पूर्वांचल, अपने यूपी बिहार में और दिल्ली उल्ली में हर आदमी पॉजिटिव है। जब आप सिम्टोमेटिक होते हो तो आप पेशेंट डॉक्टर के पास आते हो, आप सिम्टोमेटिक नहीं होते हो तो आप नहीं आते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपना करूं तो मेरा भी पॉजिटिव है बट मैं सिम्टोमेटिक नहीं हूं। इस दौरान देखा गया कि पेशेंट्स को पेट में का कैंसर बहुत कॉमन मिलता है, जिसका कारण आपका एच पायलोरी बैक्टीरिया है। छठा जो थोड़ा बहुत कैंसर और हमारे समाज में बहुत कॉमन है वो है लैट्रिन के रास्ते का कैंसर। इसके साथ एक बहुत बड़ा सोशल टैबू जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर टट्टी के रास्ते का कैंसर है, हमें खून निकल रहा है, किसी मर्द को खासकर, तो वो इस डर से नहीं दिखाता है कि उसको लगता है कि मैं कैसे किसी को बताऊं कि मेरे टट्टी से खून निकल रहा है, उसकी मर्दानगी पर सवाल उठ जाएगा। या वो ये डरता है कि अगर कुछ भी ऑपरेशन हुआ और पेट पर रास्ता बनाना पड़ गया तो मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा। ये सोशल टैबू एक यहाँ बहुत बड़ा है, जिसके पीछे लोग दुनिया जहाँ का इधर उधर घूम फिर करके लोकल इलाज कराते हैं, बवासीर सोचते हैं और पता चलता है अंत में वो लैट्रिन के रास्ते का कैंसर निकला। और फिर उस कैंसर के इलाज में से घबरा करके कि हमारा टट्टी का रास्ता बाईपास हो जाएगा, हम कैसे बताएंगे, हम मुंह कैसे दिखाएंगे किसी को कि हमें खून बह रहा है, वो इलाज ना करा करके अपना दम तोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ा सोशल टैबू है, बट इस कैंसर का मैं इस कैंसर को छठे नंबर पर रखता हूँ जो हम लोग समाज में देखते हैं, जिस मात्रा में ये मिलता है। इसकी मात्रा कम है बट इसके साथ सोशल टैबू बहुत बड़ा है। तो यूजुअली 6 तरह के कैंसर हम लोगों के समाज में इस जोन में खासकर बहुत कॉमन है। लंग्स कैंसर हमारे इस जोन में काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि हमारे यहाँ बीड़ी फूकना और सिगरेट और हुक्का का प्रचलन कम है। इसका प्रचलन ज़्यादातर हरियाणा साइड, पंजाब साइड बहुत है, तो वहाँ पर हमें लंग कैंसर बहुत कॉमन मिलता है। अपने इस जोन में लंग कैंसर थोड़ा कम मात्रा में मिलता है। पैनक्रियास के कैंसर थोड़े कम मात्रा में हैं, न्यूरो के कैंसर थोड़े से कम मात्रा में हैं। चौथा जो अनटैप्ड एरिया है हमारा वो ब्लड कैंसर का है, जहाँ पर बच्चे और बड़े लोग जिनको खासकर प्रदूषण या कोई भी केमिकल एक्सपोजर या कोई भी म्यूटाजेनिक एक्टिविटी के वजह से ब्लड के कैंसर, ल्यूकीमिया बहुत होते हैं। और उसके साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि वो टाइम डिपेंडेंट होता है। अगर हम जितना इलाज लेट करते हैं वो उतना क्राइसिस में पेशेंट जाता जाता है और उस पेशेंट की मदद होना बहुत मुश्किल हो जाती है।